हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू स्विफ्ट VXi के बारे में। अगर आपने स्विफ्ट LXi का रिव्यू नहीं देखा है जो न्यू स्विफ्ट है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्विफ्ट VXi है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले, जो पुरानी VXi स्विफ्ट आती थी उसके मुकाबले। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके जो अपर वेरियंट्स आते हैं जैसे इसका ZXi और ZXi प्लस, उन वेरियंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिल जाती है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एक वॉक अराउंड दूंगा गाड़ी का, इसका कंफर्ट चेक करूंगा, इसके इंजन के बारे में बताऊंगा और इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, जो ये स्विफ्ट है ये थर्ड जनरेशन स्विफ्ट है इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर अदर कंट्रीज में देखा जाए तो ये फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट है। इंडिया में काफी पॉपुलर कार है ये स्विफ्ट, खाली स्विफ्ट के नाम से ही बिक जाती है, इतनी पॉपुलर कार है ये। बाकी सेफ्टी तो आप लोगों को पता ही होगा कैसी क्या सेफ्टी प्रोवाइड करती है ये स्विफ्ट। और जो ये फेसलिफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है इसका, हर एक वेरिएंट में अप्रोक्स 30K प्राइस हाइक अप किया गया है। और जो चेंजेस है वो सारी चीजें तो आपको वीडियो में पता चली जाएंगी। और कंपनी ने इसके कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ साथ इसके इंजन के अंदर भी चेंज किया है। जो ये इंजन है ड्यूएल जेट इंजन अब आने लग गया है, जो कि 7 BHP ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू जो पुरानी स्विफ्ट आती थी उससे। तो सबसे पहले इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें चेंजेस मिल जाती हैं इस न्यू स्विफ्ट के अंदर। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी के अंदर आपको LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस ये वेरिएंट्स आते हैं। और VXi वेरिएंट से आपका AMT स्टार्ट होगा, मतलब ऑटोमेटिक के अंदर। बाकी मैनुअल तो आपको सभी वेरिएंट्स के अंदर मिलेगा। और जो इसका ड्यूअल टोन वो आपको VXi एंड ZXi दोनों के अंदर अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रंट की बात की जाए, आपको क्या चेंज मिलता है। जो इसका मेजर चेंज दिया गया है वो इसकी रेडिएटर ग्रिल के अंदर दिया गया है। इसका डिजाइन नया कर दिया है और यहाँ पे आपको बीच में एक बोल्ड क्रोम इंसर्ट मिल जाती है, जो कि इसकी लुक को काफी ज्यादा एनहेंस करता है। जो इसकी हेडलाइट है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलती है VXi में भी और ZXi में भी। बट जैसे इसका ZXi प्लस वेरिएंट आएगा वहां पे आपको उसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाएंगी और DRLs भी अवेलेबल हो जाते हैं। हैलोजन बल्ब के साथ ही इसके टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। VXi में आपको कोई भी फॉग लाइट नहीं मिलती है, बट आप एक्सेसरीज के तौर पे उसको लगवा भी सकते हैं। और इसके ZXi प्लस वेरिएंट में वहां पे आपको फॉग लाइट्स अवेलेबल हो जाएगी। फ्रंट में अगर सिर्फ चेंज की बात की जाए तो इसके जो रेडिएटर ग्रिल है उसी के अंदर चेंज दिया गया है और इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में कोई भी चेंजेस नहीं है। एज यूजुअल जैसे इसकी साइड प्रोफाइल में चेंज की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल में भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। जो इसके टायर्स हैं वो आपको 14 inches के ही मिलते हैं। जो इसका अपर वेरियंट आते हैं जैसे इसका ZXi प्लस वेरियंट आते हैं वहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स अवेलेबल हो जाएंगे डायमंड कट के साथ। इसका ZXi आएगा वहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलेंगे। और VXi में आपको इस टाइप के स्टील भी मिलेंगे, इसके ऊपर व्हील कवर नहीं लगा हुआ, वो निकाल दिया गया है। तो बाकी इसके ऊपर आपको व्हील कवर्स हो जाएंगे सिल्वर फिनिश के साथ। और जो इसका LXi वेरिएंट आएगा वहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के रिम्स मिलेंगे, बट उनके ऊपर आप व्हील कवर्स भी लगवा सकते हैं एसेसरीज के तौर पे। जो इसके ORVM आप देख रहे हैं आपको VXi वेरिएंट में सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, बट फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड हो जाता है। ZXi में आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों आ जाएंगे। बॉडी कलर्स डोर हैंडल मिल जाते हैं, बट जो इसका पीछे वाला डोर हैंडल है उसका थोड़ा सा डिजाइन अच्छे तरीके से दे रखा है, तो ये आपको ब्लैक कलर के अंदर ही मिलता है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल में कोई भी चेंज नहीं, मैंने आपको बताया था, सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है जो इसके टायर्स हैं उनके अंदर। अब इसकी बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो बैक प्रोफाइल में भी ऐसा कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है जो पुरानी स्विफ्ट आती थी उसके। लेकिन जो इसकी टेल लाइट है वो आपको LED के अंदर मिलती है, सी शेप के अंदर ग्लो करती है। बेस वेरिएंट के अंदर भी LED के अंदर आती है और इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है उसके अंदर भी आपको LED के अंदर ही मिलते हैं। जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं और जो बैक लाइट है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है। इस वेरिएंट में आपको कोई भी रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, सिर्फ पार्किंग सेंसर अवेलेबल होंगे। अब इसकी बूट स्पेस की बात की जाए और इसकी बूट स्पेस जैसे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो आपको सेम ही साइज का मिलेगा, 14 इंचज का ही स्टील रिम। और पार्शियल ट्रे भी आपको इस वेरिएंट में अवेलेबल हो जाती है, बट पीछे आपको कोई भी लाइट प्रोवाइड नहीं होगी। स्विफ्ट की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग, बट कोई वेरिएंट की बैजिंग आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपको माइक्रो टाइप एंटीना मिलेगा, बट वो LXi वेरिएंट के अंदर नहीं आता, ये एंटीना आपको VXi वेरिएंट से आना स्टार्ट होगा। फ्यूल लीड आपको इस साइड में मिल जाता है, वही सेम फ्यूल की कैपेसिटी है। तो अब स्विफ्ट के इंटीरियर की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चेंजेस मिलते हैं, देन आपको इस गाड़ी का मैं कंफर्ट बताऊंगा। तो जो डैशबोर्ड है वो आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है जो पुरानी स्विफ्ट आती थी। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश की ट्रीटमेंट मिल जाती है, हार्ड प्लास्टिक के अंदर ही इसका डैशबोर्ड मिलता है। जो फिट एंड फिनिश है ना वो आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। जो चेंज है वो आप इसका म्यूजिक सिस्टम जो आप ये देख रहे हो इसके अंदर चेंज किया गया, जैसे आपने बैलेनो के अंदर देखा होगा उसमें भी इसी टाइप का आते हैं, टच टाइप का लगेगा बट ये टच है नहीं। जैसे आप इनके स्विचेस देखोगे वॉल्यूम अप डाउन के या फिर ट्रैक के,
के वो आपका टच की तरह ही काम करेंगे, बट ये टच नहीं, फिजिकल नोब आपके उसके अंदर प्रोवाइड नहीं होती है। ओवरऑल जैसे लुक की बात की जाए, जो पुरानी स्विफ्ट में आती थी VXI में, वहाँ पे आपको नोब्स प्रोवाइड होते थे, तो जो लुक की बात की जाए तो आपको देखने में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ZXI वेरियंट से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आने लग जाएगा। नीचे की तरफ आपको USB AUX एंड 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, फोन प्लेस करने के लिए जगह मिल जाती है और दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल जैसे इंटीरियर में चेंज की बात की जाए, तो सिर्फ डैशबोर्ड में बात कर रहा हूँ इस एरिया में, तो सिर्फ आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का चेंज दिया गया है। सेम ही आपको गियर मिलता है इस गाड़ी के अंदर, आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। और जो चेंज है वो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर चेंज दिया गया है। जो बीच की MID है वो आपको ऑल न्यू मिल जाती है। ZXI प्लस में आपकी कलर MID आने लग जाएगी, जैसे कि आपने बलेनो के अंदर देखी होगी, वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। और अब इसमें स्टेयरिंग व्हील में चेंज की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी आने लग जाएगा, बट वो सिर्फ आपको ZXI प्लस जो वेरिएंट आएगा उसी के अंदर आएगा। VXI या फिर ZXI में आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। इस साइड में आपका म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस साइड में कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, लाइट के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल। और अब इस साइड में चेंज की बात की जाए, तो इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी अवेलेबल होने लग जाएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का जैसे वो बोल रहा हूँ कि जो जैसे गाड़ी आइडल कंडीशन में खड़ी है, मान लो 5 सेकंड के लिए खड़ी, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और जैसे ही क्लच को प्रेस करोगे आपका इंजन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो वो स्विच आपको यहाँ पे अब आने लगे, वो ऑल न्यू कर दिया है और लाइट लेवलिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब बात आती है गाड़ी के कंफर्ट की, तो कंफर्ट वाइज जैसे देखा जाए तो गाड़ी में जो कुशनिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और जो बकेट फिटिंग है इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो हाई स्पीड में आप इस गाड़ी को रेव करोगे, थोड़ा सा थोड़ी मतलब 80 की स्पीड पे आप थोड़ा बहुत भी टर्न करते हो तो आप इस गाड़ी में अच्छे से चिपक के बैठोगे। बेसिकली आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है, तो आपको ये गाड़ी चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो इसका डोर पैड देख रहे हो ड्राइवर साइड में, आपको VXI वेरिएंट में चारों पावर विंडो के स्विचेज मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ORVM के कंट्रोल, 1 लीटर बोतल कैरी करने के लिए होल्डर, और आपको VXI वेरिएंट में 4 स्पीकर मिलते हैं, जिसके IRVM है वो आपको मैनुअल ही मिलते हैं, ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं। इस वाले ड्राइवर साइड सनवाइजर में सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है और पैसेंजर साइड सनवाइजर में सिर्फ आपको मिरर मिलता है। रीडिंग लैंप आपको सिर्फ एक ही मिलेगा VXI वेरिएंट के अंदर। तो अब गाड़ी के सेकंड रो की कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है गाड़ी में स्टेप इन की, तो आपको स्टेप इन बिल्कुल इजीली कर जाओगे। तो जो ड्राइवर साइड सीट है मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, और जो पैसेंजर साइड सीट है ऑल द वे बैक कर रखी है, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है और हर 6 फीट का बंदा मेरी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा। तो जब मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी, तो आपको जो इसमें लेग रूम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, नी रूम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और जो हेड रूम है वो आपको डिसेंट साइज़ का मिलता है। जैसे आप मान लो 6-5 का बंदा इस गाड़ी के अंदर बैठेगा तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। 6 फुट के अंदर इसमें आपको 3 उंगलियों जितना फासला मिल जाता है। जो रेक्लाइनिंग एंगल है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। जो कुशनिंग है गाड़ी के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और जो व्यू है वो आपको मतलब ओके रिपोर्ट ही आता है इसके अंदर से व्यू। तो अब बात आती है इसके सेकंड रो में क्या क्या चीज़ें चेंजेस मिलेंगी। तो सेकंड रो में आपको कोई भी चीज़ें चेंज नहीं दी गई है, ना तो आपको कोई भी एयर के वेंट्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, जैसे कि बलेनो के अंदर देखोगे उसके अंदर भी नहीं आते हैं। तो इसके अंदर यार एक एयर के वेंट्स और अवेलेबल होने चाहिए थे, जैसे इसके राइवल में i20 आती है उसके अंदर आपको पीछे एयर के वेंट्स मिल जाते हैं, बट इसके अंदर आपको एयर के वेंट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मार खा जाती है सेकंड रो में। और जो इसके हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, 2 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगी और 1 2-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी। ये ऑल द वे बैक है सीट, देन इसमें जो नी रूम है वो आपका 2 उंगलियों जितना नी रूम बचता है। लेग रूम जाहिर सी बात है कम हो गया है, बट जो रेक्लाइनिंग एंगल है, अंडर थाई स्पॉट है, वो आपको डिसेंट ही मिलेगी ऑल द वे बैक होने के बाद भी। अगर इस गाड़ी में 3 पर्सन बैठने की बात की जाए तो वो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, कोई भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। बीच का हम भी कोई इतना ज़्यादा नहीं उठा, थोड़ा बहुत इशू आएगा जो बीच में पर्सन बैठेगा उसको, या फिर साइड में जो भी बैठेंगे तो वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इतने कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, बट हाँ यूँ है मैनेज हो जाएगा। 1/2 लीटर बोतल कैरी करने के लिए होल्डर मिल जाते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट, और जो यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। अब स्विफ्ट के ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले, इंजन से पहले। तो इसके अंदर आपको 2 गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। जो इसका ऑटोमेटिक आएगा वो आपको VXI वेरिएंट से अवेलेबल होगा, और जो ऑटोमेटिक आता है वो टॉर्क कन्वर्टर के साथ नहीं आते, जैसे आपने S-Cross के अंदर देखा होगा या फिर जो ब्रेजा के अंदर देखा होगा, वहाँ पे आपको टॉर्क कन्वर्टर आते हैं 4 स्पीड में, बट इसके अंदर आपको AMT मिलेगा। तो AMT में क्या है, थोड़ी सी जो इनकी प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी ईजी पड़ जाती है, मतलब मैनुअल ओवरराइड ही रहता है, तो मैनुअल में 1-2 चीज़ें हेर फेर करके ही ऑटोमेटिक बन जाता है। अब बात आती है इसके इंजन की,
तो जो इसका इंजन है वो आपको ऑल न्यू मिलता है, ऑल न्यू मतलब स्विफ्ट के मुताबिक से ऑल न्यू मिलता है। जैसे स्विफ्ट डिजायर के अंदर आपको ड्यूएल जेट इंजन मिलता है, तो वही इंजन अब आपको इस स्विफ्ट के अंदर मिलेगा। ये 7 BHP ज्यादा प्रोड्यूस करता है जो पुरानी स्विफ्ट आती थी उससे, और सेम ही BHP प्रोड्यूस करता है जो स्विफ्ट डिजायर आती है उससे। ये 89 BHP अब ये इंजन प्रोड्यूस करने लगे, ड्यूएल जेट इंजन अब इस गाड़ी के अंदर आने लगे है। यहाँ पे आपको इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाएगी, और जो गाड़ी में वाइब्रेशन और इंजन नॉइस की बात की जाए ना, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसका इंजन इतना साइलेंट है। तो गाइज यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, होप करता हूँ आपको अच्छे तरीके से बता पाया होगा कि आपको VXA वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और जिसके अपर वेरिएंट्स आते हैं उनके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो गाइज यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।